अंदर कोई नहीं जा रहे हैं। काम काम करते हैं। बाहर आ रहे हैं ना बाहर। बाहर क्या? फैमिली फोटो। फैमिली फोटो। ये फोटो नहीं लगा। चलो मेरे बाहर रहते हैं तो तुम। बाहर बाहर। चलो बाहर बाहर। बाहर बाहर। बोलिंग गुच्छे इधर। प्लीज मीडिया काइंडली कोऑपरेट। बोलिंग गुच्छे। आज लोकतंत्र का उत्सव मुंबई में और अन्य प्रदेशों में पांचवें चरण में मनाया जा रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया देशवासियों से, उनके परिवारजनों से, हम सब इस उत्सव में भाग लें, हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएं। आज लगभग 100 करोड़ भारतवासी, भारत के नागरिक, भारत के मतदाता, छोटे महीने डेढ़ महीने के भीतर अपना मत देते हैं। देश किस प्रकार से आगे चले उसके भाग्य विधाता बनते हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक भारतवासी बड़े रूप में मत देने आए हैं, आज के चरण में भी बड़ी संख्या में मुंबई के लोग गर्मी के बावजूद वोट देने निकले हैं। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई में देख रहा हूं कि 7 बजते ही लंबी लंबी लाइनें, चाहे वो दहीसर हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, बोरिवली हो या कांदिवली पूर्व, चारकोप, मागाथाने या मलाड, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतार देखकर विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेषकर मुंबई कर अपनी जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में, और जनता जनार्दन देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। मेरे लिए तो ये चुनाव मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा और समाधानी मौका था, जिसमें मैंने लाखों लोगों से संपर्क किया, लाखों लोगों के बीच जाकर उनके आशीर्वाद प्राप्त की, और जो स्नेह, जो आत्मीयता, जो स्वागत मुझे मिला है, एक मुंबईकर होने के नाते अपने ही लोगों के बीच जाकर, वो बहुत ही समाधान का विषय है। मेरा परिवार आज मोदी जी के परिवार के साथ सम्मिलित है, और मोदी जी के परिवार ने जिस प्रकार से भारत के भविष्य को बनाने का निर्णय लिया, मेरा परिवार भी उसके साथ भारत में आगे एक उज्जवल भविष्य उसमें जुड़ा है। दोनों बच्चे बाहर से आए हैं, मुंबई के
मुंबईकर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने की। फोटो लोग तंग थोड़ी कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका काम है उनकी।